इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। कितनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं जो हमें लाइफ में रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लाइंस आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आवर टुडेज टॉपिक इज द पोयम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। दिस इज रितु गर्ग, लेक्चरर इन इंग्लिश, एंड टुडे आई एम हियर विद माई न्यू वीडियो। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आती रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। जेनेट रैंड ने इस पोएम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। इस पोएम में स्टार्टिंग में उन्होंने सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हुए हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारी हर एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हमारी जो लाफ एक्टिविटी है, हंसना, लाफिंग, इस एक्टिविटी में भी एक रिस्क है और वो रिस्क है अपीयरिंग द फूल, कि पीपल हमें फुलिश कह सकते हैं, हम लोगों को फुलिश अपीयर हो सकते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप, वीपिंग की जो एक्टिविटी है, रोते हैं हम जब, शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाते हैं, तो इस एक्टिविटी में भी एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क है अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब है इमोशनल होना, इमोशनल दिखना, कि हम लोगों को बहुत इमोशनल नजर आ सकते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर का मतलब है टू हेल्प अ पर्सन। टू रीच आउट टू हेल्प अ पर्सन, जब हम किसी पर्सन की हेल्प के लिए जाते हैं, इस एक्टिविटी में भी, किसी की हेल्प करने में भी पोएट्रीज कहती है कि एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क है इन्वॉल्वमेंट का। यहाँ इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि लोगों को ये लग सकता है कि शायद इस पर्सन की हेल्प करने में हमारा कुछ इंटरेस्ट था, इसीलिए हमने इस पर्सन की हेल्प की। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स का मतलब है अपनी फीलिंग्स को रिवील करना, अपनी फीलिंग्स को शो करना। अगर हम किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को रिवील करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स शो करते हैं, तो उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो है कि हमारी जो ट्रू सेल्फ है, हमारी इनर सेल्फ है, वो सबके सामने एक्सपोज होने का रिस्क रहता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अगर हम अपने आइडियाज, हमारी लाइफ को लेकर जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन्हें हम लोगों के सामने, बिफोर अ क्राउड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हम उन्हें लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स बताते हैं, तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है बीइंग कॉल्ड नेव। नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कमी होना। तो लोग हमें कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज इनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि इस पर्सन को अनुभव की कमी है। इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव करना, प्रेम करना, जब हम किसी को लव करते हैं, इस एक्टिविटी में भी एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि रिटर्न में हमें लव मिले ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इफ वी लव समवन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल रिटर्न अस द सेम लव। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। लिव, इवन लिविंग, इस एक्टिविटी में, जीने में भी एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क है डाइंग मीन्स डेथ का। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप, हमारी अपनी लाइफ में बहुत सी होप्स होती हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम बहुत अफर्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, वो रिस्क है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराशा, कि जरूरी नहीं कि हमारी सारी होप्स फुलफिल हो जाएं, उसमें हमें आशा की जगह निराशा भी मिल सकती है, तो आशा में निराशा का रिस्क इन्वॉल्व है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू ट्राई, वी ट्राई टू सक्सेस, हम हमेशा सक्सेस पाने के लिए ट्राई करते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं, हम जितनी भी अपनी कोशिशें करते हैं कि हमने जिस काम के लिए ट्राई किया है, हमें उसमें सक्सेस मिले, बट इस एक्टिविटी में भी एक रिस्क इन्वॉल्व है और वो है फेलियर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी, व्हेन वी ट्राई वी गेट ऑलवेज सक्सेस, वी कैन फेस फेलियर, हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सभी एक्टिविटीज हैं
जिसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है, मस्ट बी टेकन। अभी तक पोएट्रिस ने हमें बहुत सी एक्टिविटीज बताई और उन एक्टिविटीज में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी हमने देखी। बट अब पोएट्रिस कहते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि हमें रिस्क जरूर लेना चाहिए, हमें डिफिकल्टीज का सामना जरूर करना चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यहाँ ग्रेटेस्ट हजार्ड का मतलब है, हजार्ड मतलब डेंजर, कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा डेंजर है, वो रिस्क नहीं है, वो है इज टू रिस्क नथिंग, कुछ भी रिस्क नहीं उठाना, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना, वो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा बनेगा, वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डेंजर होगा, वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ा हजार्ड होगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, द पर्सन, अब पोएट्रिस इस पर्सन की बात कर रही है जो कभी रिस्क नहीं लेता, जो अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करता। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो कोई रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब अगर वो रिस्क नहीं लेता तो वो कुछ नहीं करता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होगी, और हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि नो नेम नो फेम, उसके पास ना नाम होता है ना फेम होता है, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करता, कोई रिस्क ही नहीं उठाता, एंड बिकम्स नथिंग, और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन पाता। बिकम्स का मतलब है प्रोग्रेस करना, वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं कर सकता, he becomes nothing, वो जहां होता है वही का वही रह जाता है। सो वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। यहाँ जो दे वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है फॉर द पर्सन हु डू नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, वो पर्सन जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, वो अवॉइड सफरिंग, वो अपनी लाइफ में से सफरिंग तो अवॉइड कर देते हैं, यानी कि उनको अपनी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती, एंड सोरो, ना ही उन्हें कोई पेन कोई ग्रीफ होता है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई पेन कोई ग्रीफ नहीं होता, क्योंकि वो कोई रिस्क ही नहीं लेते। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, दे एक्चुअली कैन नॉट लर्न, वो कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आपको स्विमिंग सीखनी है, और आप स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में तो जाना ही होगा, बट आपको रिस्क है या आपको डर लगता है कि पानी से, कि आप पानी में उतरने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हाउ कैन यू लर्न स्विमिंग, फिर आप स्विमिंग कैसे सीख सकते हैं। सो द सेम पॉइंट है कि अगर हम अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेते तो हम कुछ लर्निंग भी नहीं कर सकते, तो ऐसे पर्सन कुछ लर्न नहीं करते, फिर वे उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती, क्योंकि वो ना तो सक्सेस की खुशी को फील कर सकते हैं और ना ही वो फेलियर के दुख को फील कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क ही नहीं लिया, तो ना उन्हें सक्सेस मिलेगी ना फेलियर मिलेगा। चेंज, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते और ना ही वर्ल्ड को, दे कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स एंड दे कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि चेंज करने के लिए हमें कुछ रिस्क लेना होता है और वो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते। ग्रो, यहाँ ग्रो का मतलब है प्रोग्रेस करना, दे कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, कोई सक्सेस नहीं होती। लव लिव, दे कैन नॉट लव एनीबडी एंड दे इवन कैन नॉट लिव प्रॉपरली, वो ढंग से अपना जीवन भी नहीं जी सकते। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड का मतलब है कि वो अपनी उनकी जो सिचुएशन है वो उसमें बंधे हुए होते हैं, उन्हें अपने सिचुएशन को दूर करने में या अपने सिचुएशन को दूर करने के लिए जो कोई रिस्क है, आगे बढ़ने के लिए जो रिस्क है, वो उसे लेते ही नहीं है, दे आर स्लेव्स, और इसीलिए पोएट्रिस ने उनका कंपैरिजन किया है स्लेव से, गुलाम से, उनको गुलाम बताया है कि वो अपनी ही इच्छा के, अपनी ही जो उन्होंने अपना एक दायरा बना रखा है, वो उसमें एक गुलाम की तरह रहते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, यहाँ फॉरफिटेड का मतलब है लॉस्ट। एक्चुअली पोएट्रिस कहती है कि ऐसे पर्संस जो रिस्क नहीं लेते वो रियल में फ्रीडम भी एंजॉय नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी फ्रीडम भी खो दी है, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम है वो है रिस्क लेने में, तो जब वो रिस्क नहीं लेते तो वो किसी भी तरीके की फ्रीडम को भी एंजॉय नहीं कर सकते। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली अ पर्सन, अब पोएट्रिस कहती है लास्ट लाइन में कि
सिर्फ वही पर्सन हु रिस्क जो अपनी लाइफ में रिस्क लेता है, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, इज ट्रूली फ्री। वही अपनी लाइफ में रियल में फ्री है या वही रियल में फ्रीडम को एंजॉय करता है। हम कौन से पर्सन को रियल में ट्रूली फ्री बताएंगे? वो पर्सन जो अपनी लाइफ में रिस्क लेता है, दैट पर्सन रियली एंजॉयज द फ्रीडम। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये पोएम हमें लाइफ में रिस्क लेने को मोटिवेट करती है। हमने देखा कि लाइफ की हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें रिस्क से दूर नहीं भागना, हमें लाइफ की परेशानियों से दूर नहीं भागना, बल्कि हमने उनका सामना करना है जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें। सो आई विल मीट यू विद माई नेक्स्ट